हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है हाउ टू ड्राइंग। आज हम जानेंगे कि डिजिटल पेंटिंग कैसे करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्केच निकालने के लिए ड्राई ब्रश का यूज़ करें। ऑपेसिटी को 30 के आसपास रखें। आउटलाइन ड्राइंग करें, बाद में डिटेलिंग की तरफ जाएं। हो सकता है कि कभी कभी स्केचिंग गलत आ जाए या प्रोपोर्शन गलत आ जाए, तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो बस एनाटॉमी की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे स्केचिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। जब हमारी पूरी स्केचिंग करना ख़त्म हो जाए तो बाद में हम कलरिंग करेंगे। लैसो टूल का यूज करके हम पैच बनाएंगे और उस पर मिरर टोन जो है उसको वो देंगे बकेट टूल से। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने जल्दी से इतना पैच कवर किया है बस लैसो टूल से। अब मैं डार्क टोन दे रहा हूँ। बाद में लाइट टोन भी देना, जैसे जैसे ऐड करना, जैसे जैसे ज़रूरत पड़े हम। कलरिंग करने के लिए मैं ड्राई ब्रश का ही यूज़ कर रहा हूँ और ऑपेसिटी 30 के आसपास रहती है। और लाइट टोन और डार्क टोन का यूज़ करके मैं पेंटिंग में 3D लुक जो आता है ना, वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मर्जिंग के लिए वही के कलर पिक कर रहा हूँ और बाजू में दे रहा हूँ और ऐसे मर्जिंग कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, इस वीडियो में सारे टिप आपको मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखते रहिए। आप देख सकते हैं कि मैं और भी लाइट कलर लेके कैसे हाईलाइट और वो अप्लाई कर रहा हूँ और बाद में वही के कलर लेके उसे मर्ज कर रहा हूँ, ताकि पता ना चले कि हमने अलग से कलर उस पर अप्लाई किए।
गोल्डन के इफेक्ट लाने के लिए मैंने जैसे मिडल टोन का यूज़ किया है और बाद में डार्क टोन और देख के उसमें शेडो जनरेट करूँगा। और फिर से हाईलाइट के लिए और भी गोल्डन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं मर्जिन के लिए वही के कलर मैं पिक कर रहा हूँ मर्जिन करने के लिए, मर्जिंग कहे या ब्लेंडिंग कहे। बाद में फिर से लैसो टूल का यूज़ करके हमने रेड कलर को पिक किया है ताकि हमारा टाइम बहुत बच जाता है। इसे 3D इफेक्ट के लिए मैं डार्क टोन का यूज़ कर रहा हूँ। और मर्जिंग के लिए वही के कलर पिक कर रहा हूँ। और हाईलाइट के लिए फिर से मैंने रेड का लाइट टोन लिया है जिससे हमारे धोती जो है वो रियलिस्टिक लगने चालू हो गई है। ब्रश की थोड़ी सी साइज बढ़ा के हम डार्क टोन अप्लाई कर रहे हैं शिवलिंग को और बाद में वही का कलर लेके हाईलाइट भी दे रहे और जो हमने डार्क टोन दिया था वो मर्ज कर रहे जिससे पता ना चले कि हमने कलर अप्लाई किया है, अलग से पैच ना दिखे। और बाद में फिर से हाईलाइट और वो देंगे, पहले कलर मर्ज करके और फिर से डार्क टोन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं हमने कितना ब्लैक टोन लिया था लेकिन वहाँ पे मर्ज किया, फिर से हम इसको भी मर्ज करेंगे अब जो ले रहे हैं ताकि जो डार्क टोन है शैडो जो है वो जनरेट हो जाए। हमारा शिवलिंग का इफेक्ट आना भी चालू हो गया है, मतलब शिवलिंग जो है वो 3D में दिखना चालू हो गया है। फिर से और डार्क टोन बढ़ा रहा हूँ मैं शिवलिंग पे और वो मर्ज करूँगा। फिर
ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्राइंग फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।